तो अलग अलग कंपनी है, तो उसमें रिसर्च फील्ड में था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। भगवान का जब आकर्षण होता है तब हाँ सब आसक्ति भगवान छुड़वा देते हैं। मैं सोचा कि ये राधा राधानाथ भगवान कौन है, तो बाद में यही सपने में आए थे और उनका ही कीर्तन चल रहा था, और जैसे मैं माला लिया और मैं झोले में डाल रहा था तो देखता हूँ तो दोनों गायब हो गए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ, मैं इस वक्त हूँ वृंदावन में और हमारे साथ हैं एक भक्त, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या नाम है आपका? दिव्य कृष्ण दास। दिव्य कृष्ण दास जी कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रज में कैसे आ गए? वास्तव में तो मैं रुक्मिणी माता गांव पंडरपुर धाम से उधर से हूँ, लेकिन अभी वृंदावन धाम में हूँ। भगवान का और गुरुदेव सबका कृपा है, इसके कारण मैं आया। कितनी पढ़ाई की है आपने? तो वास्तव में देखा जाएगा तो भगवान के धाम में पढ़ाई का मतलब नहीं होता है, लेकिन भौतिक स्तर से मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी पुणे यूनिवर्सिटी से किया। जॉब भी करते थे कहीं? हाँ, मैं रिसर्च में था पुणे बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में मैं जॉब में था। इतनी अच्छी आपकी जॉब लगी तो कैसे मन कर आया कि मैं उस जॉब को छोड़ के वृंदावन चला आऊँ? वास्तव में क्या है कि भगवान का जब हम जो लगाव लगता है, भगवान से प्रेम होता है ना, तो सब भौतिक आसक्ति छूटते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताया है कि मन मना मत भक्तो मध्याजी मा नमस्करु माँ मी वशे सत्यंते प्रतिजाय प्रियो से में। तो जब कोई मन तन धन से भगवान का सेवा में संलग्न होता है ना, तो अर्जुन को बोलते कि मुझे समर्पित कर बोलते, तो मुझे निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में भगवान का यही खासियत है कि भगवान आकर्षित करते हैं। आज हम श्री राधा रमन भगवान के पास आए और ये मेरे साथ श्री राधा राधानाथ भगवान है, तो उनका असीम लीला है। तो राधा रमन भगवान भी अपने षडगोस्वामी महाराज में के गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी के प्रेम भाव से प्रकट हुए, शालिग्राम से वो राधा रमन जी प्रकट हो गए। तो उसी प्रकार मैं ऐसे षडगोस्वामी महाराज जी से प्रति आकर्षित हो गया और उनके द्वारा ही मैं व्रज में आने का ये किया। मैं गुरु की आज्ञा से आया हूँ। ऐसे आपके फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि आप इतनी अच्छी जॉब करते हैं, पढ़ाई की है, क्यों सब कुछ छोड़ के जा रहे हो? वास्तव में क्या है कि जब हम भगवान से लगाव करते हैं तो भगवान कैसे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जन्ति स्थिति, तो भगवान सबके हृदय में है। तो जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो भगवान उस भक्तों को उनके समीप लेने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए मुझे तो एक लगता है कि अनन्य अशंतो यंतो मामे जनादि पर उपासते तेषां तभी युक्तानां योगक्षेम वहां। तो भगवान पे सरेंडर होने के बाद, शरणागति होने के बाद योगक्षेम वहां हम करते हैं। तो इसी के द्वारा जो भौतिक आसक्ति छुड़वाते, तो मतलब वैसा मुझे किसी से कष्ट नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर मैं सब श्रेय जाता हूँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन को, क्योंकि उनके द्वारा श्री प्रभा जी की कृपा के द्वारा, गुरुदेव की कृपा के द्वारा मैं भगवान का महत्व जान पाऊँ और भगवान का सेवा में संलग्न रहूँ। किस कंपनी में आप रिसर्च करते थे? A1 बायोटेक्नोलॉजी था, कला बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ऐसा। तो अलग अलग कंपनी है, तो उसमें रिसर्च फील्ड में था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। कितना पैकेज था आपका? तो वैसा पैकेज तो अभी जाएगा तो लगभग 4-5 लाख के ऊपर जाएगा वो। 4-5 लाख रुपये महीने? नहीं, टोटल एनुअल, पर एनुअल का। आपने सब छोड़ दिया? हाँ, वास्तव में क्या है प्रभु जी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भगवान का जब आकर्षण होता है तब हाँ सब आसक्ति भगवान छुड़वा देते हैं। जो आपके पास ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण हैं, इनका क्या नाम रखा है और कहाँ से आपके पास आई है? श्री श्री राधा राधानाथ भगवान है और ये श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई से आए। वास्तव में इनका संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मैं सेवा में था मंदिर में, तब भक्तों ने मेरा एड्रेस बताया गया उन्होंने और मेरा फ़ोन नंबर दिया बहुत सारे भक्तों ने। तो मैंने कहा कि मैं तो पात्र नहीं हूँ सेवा के लिए, तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आप ही कर सकते हैं। तो 3-4 जनों ने मेरा ही रिकमेंडेशन दिया उन्होंने कि इनके पास सेवा हो सकता है। किसको दिया था? मतलब राधा गोपीनाथ मंदिर से कुछ भक्तों को दिया था मेरा नंबर, तो ये सेवा कर सकते हैं अच्छे से, उनका भाव है अच्छा, आप उनको राधा कृष्ण को दे दो। तो ये 1 साल से शयन में थे, उनका नामकरण भी नहीं हुआ था। तो फिर जब मुझे मेरे पास आने के लिए तैयार होगा, मैं तो मैंने कहा ठीक है कि जैसे भगवान की इच्छा। तो मैंने गुरुदेव का आज्ञा नहीं लिया था, मैं गुरुदेव को बोल रहा था, लेकिन उसके पहले मेरे सपने में आके उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने फिर बताया कि मेरे 7 दिन के बाद मैं आया और उन्होंने बोला कि मुझे लेने क्यों नहीं आया। तो वास्तव में क्या है कि मैं भूल गया था लेकिन भगवान नहीं भूले। और आखिरी तौर पर क्या हुआ, 7 दिन के बाद जब सपने में आए तो
मैं बोला कि जाना पड़ेगा लेने के लिए उनको, तो मैं मंदिर से सपने में खुद आए थे स्वयं? हाँ, मैंने देखा नहीं था उनको। क्या बोले, आपने पहले देखा नहीं, सपने में आ गए आपको? हाँ हाँ, तो 7 दिन में भूल गया था मैं, बोला पहला हाँ सेवा करूँगा, बल्कि ऐसे ही थोड़ा सा लाइट ले लिया कि मैं बोला जाने दो, हम बोल रहे फोर्स करे तो टालने के लिए मैं बोला था, लेकिन 7 दिन के बाद मुझे बोला कि उन्होंने हाँ मुझे लेने क्यों नहीं आया, तो मैं बोला ठीक है, तो मैं तुरंत सुबह उठ के मंदिर में बताया कि ऐसा ऐसा मुझे लेने जाना है, तो कुछ सेवा था इसलिए इमरजेंसी में रुकना पड़ा। मुंबई गए लेने आपने? हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे 7 दिन के बाद में ये हो गया, तो एक दिन रुकना पड़ा मुझे मंदिर इमरजेंसी सेवा के लिए, और उसके बाद में फिर से सपने में आए, तो उस समय हमारे आचार्य असिल प्रभा जी सपने में आए थे, और असिल प्रभा जी ने उनका नामकरण चाहे, जैसे कि हम बताते हैं जैसे श्री राधा रमन भगवान जय जय राधा रमन हरि बोल हम बोलते, तो राधा रमन की जय बोलते, उसी प्रकार श्री प्रभा जी कीर्तन करते करते आचार्य बोल रहे थे कि जय राधा राधानाथ राधा राधानाथ राधा राधानाथ, तो मैं सोचा कि ये राधा राधानाथ भगवान कौन है, तो बाद में यही सपने में आए थे और उनका ही कीर्तन चल रहा था, मैं फिर से ये मतलब उठा, और उसके उठने के बाद मैं फिर बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, एक भक्त तो मुंबई में गए थे तो उनके द्वारा वो आ गए मेरे पास, तो बहुत बड़ा लीला हुआ है, तो इसका मैं किताब भी लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे भक्तों ने बताया कि आप किताब लिखो इसके बारे में, और लास्ट को क्या हुआ कि सब होने के बाद उनका नामकरण भी राधा गोपीनाथ के भक्त आए थे, और एक जगह गया था कार्यक्रम बड़ा अरेंजमेंट किया, और उनका नामकरण करने के लिए गए वो, तो बोले कि इनका नामकरण क्या है मुझे पूछा, तो मैं बोला कि इनका नामकरण असिल प्रभा जी ने किया है, मतलब इतना रिलेशन कि वो नामकरण नहीं कर पाए इनका, क्योंकि उनको पता चला कि इनका नामकरण ऑलरेडी हुआ है। किस रूप में आप इनकी पूजा सेवा करते हैं? वास्तव में ऐसी से राधा कृष्ण है ना, तो इनके ही स्वरूप में करता हूँ। आप क्या मानते हैं इनको? वास्तव में क्या है, हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो दास स्वरूप में से हम सेवा करते हैं, लेकिन भगवान क्या है उनको अलग लीला, जैसे साक्य रस है, दास्य रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, कौन सा भी रस में भगवान ये कर सकते हैं वो भगवान की इच्छा, लेकिन हमारे को चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ब्रह्म मधव गौड़ी संप्रदाय के इसमें से देखा जाएगा, तो इस्कॉन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है हमारे को जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तो दास दासों दास सेवा करना है भगवान का, यही इम्पोर्टेंट है। अब ये बताइए, आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़ी, इतने अच्छे पढ़े लिखे, तो आपका खर्चा कैसे चलता खाने पीने का? वास्तव में क्या है, भगवान पर आश्रित होने के बाद सब कुछ करते हैं, जैसे सुदामा जी जब भगवान के प्रति आश्रित होते तो भगवान के आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 3 मुट्ठी में इतना दिया कि लक्ष्मी माता भी मतलब रुक्मिणी माता भी उनका हाथ रोक नहीं पाई, तो भगवान के अधीन होते, अहम भक्ता पराधीन, भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के अधीन है, जब भगवान की शरणागति लेंगे तभी हो सकता है, इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने बताया 18वें अध्याय में श्लोक में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्रपिशि शाश्वतम। आप भागवत और गीता दोनों पढ़ते हैं फिर? हाँ, भगवत गीता भागवतम का प्रचार भी करता हूँ, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से मैं भगवत गीता भागवतम का भी करता हूँ प्रचार, भगवत गीता वितरण भी करता हूँ, साथ साथ इस्कॉन डिसाइबल कोर्स वो भी अरेंजमेंट होता है गुरुदेव के कृपा से, प्रभा जी की कृपा से, और साथ साथ डीटी वर्शिपिंग कोर्सेज भी लेता हूँ। सबसे पहले जब आप ब्रज में आए थे, वृंदावन आए, तो कब आए थे और कैसी अनुभूति थी जब आप आए तो? हाँ, मैं वो तो बहुत बड़ा लीला है कि वो मैं हृदय में वर्णन नहीं कर सकता, मैं फर्स्ट टाइम आया था तो 2 लाली भी आए थे, बहुत बड़ा पास टाइम है, 2 लाली आई थी और उन्होंने जैसे बरसाना का भी है, 2 जब लाली आई तो मेरा इच्छा था कि लैंप ऑफरिंग करने का दिया यमुना मैया में, तो वो लाली ने मुझे लैंप दिया, मतलब छोटी जो बालिका रहती है इधर लाली बोलते हैं, तो बालिका ने मुझे लैंप दिया, बत्ती दिया, दीवा वगैरह, और मैंने यमुना में ऑफरिंग कर दिया, ऑफरिंग करने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरा इच्छा था कि मेरा दीक्षा का माला वो यमुना में थोड़ा ही करने का था, स्नान करवा के लेने का था, तो दोनों आके इमली तला की बात है वृंदावन की, और एकदम फास्ट गए, और 2 जो छोटी बालिका गई, रात का समय था, उन्होंने वो माला डुबा के मुझे दे दिया, ऐसा लगा कि मुझे कोई दीक्षा दे रहा है, और जैसे मैं माला लिया और मैं झोले में डाल रहा था तो देखता हूँ तो दोनों गायब हो गए। अच्छा, हाँ, गायब हो गए, मैं सब जगह ढूंढा उनके चरण का, मैं चरण स्पर्श किया था तो चमत्कार था ठाकुर जी, हाँ वो हंस रहे थे लेकिन बात नहीं कर रहे थे मेरे से, मैं जो बोल रहा था वो कर रहे थे, हाँ, और उनको कैसे पता चला कि मुझे लैंप ऑफरिंग करने का है, मुझे ये करने का है, तो सब उन्होंने करवा दिया, फिर उसके बाद में सब जगह पूछा मैं उधर के लिए, तो बोले लाली आई नहीं है इधर कोई, उधर लाली बोलते क्योंकि इतना रात को कोई छोटी बच्ची नहीं आ सकती, ऐसा उन्होंने बता दिया, और फिर हो गया, तो बहुत सारा पास टाइम लीला है, और ये श्रीमती राधा रानी का बड़ा ही फर्स्ट टाइम हो गया, और बरसाना भी हुआ, एक छोटी लाली आके मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से जाना है, तो एक छोटी लाली आई बालिका, बोले राधा रानी का दर्शन करने का है बाबा, ऐसा बोला, तो मैं बोला हाँ, तो मेरा उंगली पकड़ के वो ऊपर तक लेके गए थे,
और बरसाना के उधर सीजे मंदिर के इधर, और जैसे मैं गया और इधर उधर देखने लगा तब तो वो गायब हो गई। मैंने देखा वो छोटी बालिका कहाँ गई, मैं उधर पूछा तो बोले बालिका इधर नहीं थी। मैं बोला कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाद में बोला कि अरे वो स्वयं साक्षात राधारानी थी। तो मुझे श्रवण किया था, इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवन अर्चन वंदनम दासम साक्षात मैंने उधर। तो श्री प्रभात जी आचार्य बोलते कि श्रवण से ही भगवान को जान सकते हैं, इसलिए मैं श्रवण किया गुरुदेव से, श्री प्रभात जी आचार्यों से और बहुत सारे शुद्ध भक्तों से, इसके द्वारा ही हृदय में प्रकाशित होते। इसलिए बताया जाता कि चक्षुदान दिलो दे जन्म जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अब ये बताइए जब आपकी जॉब थी आप पढ़ाई करते थे तो कुछ आपके जो कपड़े थे वो अलग होंगे, लेकिन अब ब्रज में तो अलग धोती था। अभी वो धोती कुर्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे धोती कुर्ता तिलक और बहुत पसंद है। पैंट शर्ट पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्षमा चाहते बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी रूप में आप रहते हैं। हाँ धोती कुर्ता उत्तरी, मोस्टली अभी समर का सीजन है ना तो उत्तरी वगैरह में, पुजारी सेवा तो उत्तरी सेवा में करना पड़ता है। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि देखो भगवान ने भी अर्जुन को बताया, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, प्रेम से गए सब लोग, प्रेम से उसका पावर आपको भी मिलेगा। तमेव शरणम गच्छ, प्रेम से गए, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिनका कहना है कि पुणे में एक रिसर्च के तौर पर काम करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण सब कुछ छोड़कर ब्रज में आ गए और ब्रज में आज भक्ति कर रहे हैं। इनके साथ कई चमत्कार भी हुए, इन्होंने जैसे बताया, यही भगवान की लीला है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी भक्ति कराई लेती है। राधे राधे।